नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज बनाएंगे गेहूं के आटे से आलू टिक्की। आज मैं जिस तरीके से आपको आलू टिक्की बनाना सिखाऊंगी, मे बी आप इससे पहले ऐसे नहीं बनाए होंगे, तो एक बार आप इस तरीके से आलू टिक्की बना के जरूर ट्राई करना, आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट ये रेसिपी बना के रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 से 3 आलू। मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है, अब इसे ग्रेटर की हेल्प से अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेंगे। चाहे तो अपने हाथों से भी मैस कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से फटाफट हो जाता है और बिना लम्स फ्री। यहाँ पे आलू को अच्छे तरीके से घिस लिया है, उसके बाद से मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, जैसे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, इसको इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे, थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और फिर बारीक कटे हुए धनिया पत्ते डालेंगे। सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और चीज़ डालेंगे वो है बारीक कटी हुई प्याज। प्याज डालने के बाद अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। एक सारी चीज़ें जो मैंने डाली है, इससे टिकिया बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद से इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरीके से टिकिया शेप दे देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम लोग सारी टिकिया बना के रेडी कर लेंगे। चाहे तो इससे बड़ी टिकिया भी बना सकती है, लेकिन इस पोर्शन में टिकिया बनाना ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके से टिकिया बनाते जाएंगे और यहाँ पे मैंने ढेर सारी टिकिया बना के रेडी कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले कटोरी में 1 कप आटा डालेंगे, 2 चम्मच बेसन डालेंगे, आप इसमें बेसन स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद से हम लोग इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और बारीक कटे हुए धनिया पत्ती डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से बार मिक्स कर लेंगे। एक ही बार ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे तरीके से लिक्विड फॉर्म में इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे। घोल इस तरीके से घोल बना के रेडी कर लेंगे और यहाँ पे घोल रेडी है। चलते एक और नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम लोग जो टिकिया बना के रखे हुए थे वो इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से ऊपर लपेटते हुए और इस तरीके से उसे निकाल के गर्मा गर्म तेल में छानते जाएंगे। मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखा है और इसे टिकिया डालते हुए घोल में से निकालते हुए गर्मा गर्म छानते जाएंगे। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी या आगे आपको किस टाइप की रेसिपी पसंद है, क्या चाहिए, ये उसे जरूर अपलोड करूंगी। इस तरीके से मैंने आलू टिकिया तेल में गर्मा गर्म छानने के लिए रख दिया है। अब थोड़ी देर बाद अच्छी तरीके से इसे पलट लेंगे। दोनों साइड से टिकिया अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो इसे गर्मा गर्म तेल से बाहर निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं टिकिया का कितना अच्छा टेक्सचर आया है। चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं, क्योंकि बारिश में मजा आता है जब हम लोग टिकिया बना के खाते हैं, पकौड़े बना के खाते हैं। देख सकते हैं टिकिया सारे कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर का फीलिंग कितना प्यारा आया है। गर्म खाने में बहुत टेस्टी लगता है, खासकर जब हरी चटनी हो। ओके बाय, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।